काफी लंबा सफर तय करने के बाद एबीपीएस न्यूज की टीम ब्लॉक ठाकुर द्वारा क्षेत्र के ग्राम राधुवाला पहुंची। जिला मुख्यालय से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह ग्राम पंचायत 2600 की आबादी वाली है। वर्तमान समय में इस गांव में प्रधान फर्रुखद्दीन उर्फ फर्रुख हसन कमान संभाले हुए हैं। वहीं अगर प्रधान फर्रुख हसन के कार्यकाल में गांव की स्थिति पर नजर डाले तो इस गांव में 8 सड़कों का निर्माण किया गया है, साथ ही 200 मीटर वाले व 3 पुलियों का निर्माण भी प्रधान ने करवाया है। वहीं गांव में विकास को और बेहतर देखने के लिए 124 शौचालय व 11 सौर ऊर्जा उपकरण भी ग्रामीणों को दिए गए हैं। ग्राम वासियों ने कैमरे के सामने प्रधान द्वारा किए गए सभी कार्यों की समीक्षा की तो वहीं ग्राम पंचायत ने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति खासा नाखुश दिखाई दिए। मेरा नाम अबरार हुसैन है और मैं इस गांव का स्थायी निवासी हूं। देखिए सर, ये जो रास्ता बना है तालाब से और सड़क तक, ये नहर की साइड, यहां बरसात में इतना पानी रुक जाता था कि इन लोगों का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब जब से इस रास्ते का निर्माण किया गया है तब से ये लोग बहुत खुशहाल हैं और यहाँ सुकून है इन लोगों के लिए कि बेचारे सूखे सूख में अपने नहर तक निकल जाते हैं। फहीम अहमद है, मैं ग्राम राघुवाला का रहने वाला हूँ और ये जो कार्य करा है प्रधान जी के थ्रू हुआ है। ये हमारे ग्राम प्रधान फारूक हसन जी हैं, ये सारी टाइल्स रोड है ये प्रधान जी के थ्रू लगी है, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव में कुछ कमियां हैं लेकिन फिर भी पैसे के अभाव में वे अपनी ओर से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। गांव में स्कूल की स्थिति भी बेहतर दिखाई दी जिसमें लगभग 270 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। औसत तौर पर देखे तो ग्राम औसतन बेहतर स्थिति में नजर आए। आसाम में ग्राम प्रधान राघुवाला फखरुद्दीन उर्फ फारूक हसन बोल रहा हूँ। हमने अपने गाँव के अंदर काफी विकास कर लिया है, ना किसी भेदभाव से किसी तरह की कोई, अभी तक हमें काम करने में कोई दिक्कत भी नहीं आई और ना ही हमने काम करने में कोई भेदभाव वाला विचार रखा किसी से। और जो गांव में ज़्यादा तकड़ी समस्याएं थी, जैसे कि हमारे गांव के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्याएं थी, पानी बंद था, बीच गांव में पानी रुका हुआ था, बहुत दिक्कतें थी आदमियों को, वो नाले बनाए हमने और उसकी पानी की दिक्कत ख़त्म करी। जो ज़्यादा कठिन रास्ते थे हमारे गांव के अंदर, जो आदमियों को निकलने में बढ़ने में बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही थी, औरतें बाहर नहीं निकल पा रही थी और आदमियों को भी बहुत दिक्कतें हो रही थी, वो रास्ते कंप्लीट कराए, वो रास्ते बनवाए। और साहब जैसे भी है, अब थोड़ी सी जो हमारे गांव के अंदर दिक्कत है वो ये है कि कुछ हैंडपम्प की ज़रूरत है, कुछ अभी कच्चे रास्ते रह रहे हैं हमारे यहाँ पर। जो ज़्यादा कठिन जो दिक्कत वाले रास्ते थे वो हम लगा चुके, कुछ पुलिये बनवा चुके पानी की निकलने की वजह से।